गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं अगर बच्चों को बाय चांस डायपर रैश हो जाए तो बच्चों के डायपर रैश को कैसे ट्रीट करें, उन्हें कैसे ठीक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आप सही ढंग से बच्चों को सही डायपर्स पहनाते हैं और उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं 2 से 3 घंटे में, अगर बच्चे ने सूसू पॉटी कर लिया है और आप तुरंत बच्चे को साफ करते हैं और उसके बाद आप बच्चे को डायपर्स पहनाते हैं, तो उन्हें डेफिनेटली कभी भी डायपर रैश की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। बहुत रेयर चांस हो जाते हैं डायपर रैश होने के, बट इनकेस अगर बच्चे को कभी डायपर रैश हो जाता है तो हम क्या करें। सबसे पहले आप बच्चे को थोड़ी देर खुला छोड़ दें, उन्हें ब्रीथ करने दें उनकी स्किन को, आप उन्हें ढंग से साफ करें। जब भी डायपर्स पहनाना हो या उन्हें नैपी पहनाना हो, उससे पहले आप उन्हें थोड़ी देर ब्रीथ करने दें, 5 से 10 मिनट उन्हें खुला छोड़ दें। सेकेंड चीज़, आप जब भी डायपर्स पहनाएं तो छोटे बच्चों को, तो स्पेशली न्यू बॉर्न्स को, तो टेप डायपर्स पहनाएं। आई थिंक पैम्पर से अच्छा, पैम्पर न्यू बॉर्न बेबी डायपर से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप उस टेप डायपर्स को यूज़ कीजिए, उसके अंदर एक वेटनेस इंडिकेटर लाइन होती है येलो कलर की। जब आप देखेंगे बच्चे ने सूसू और पॉटी कर लिया तो वो लाइन ब्लू होना स्टार्ट कर देती है। मैंने तो अपने बेटे को पैम्पर्स न्यू बॉर्न एंड पैम्पर्स एक्टिव ही पहनाए थे, वो बहुत ही अच्छे डायपर्स हैं, उनसे अच्छा तो मुझे कुछ नहीं लगा। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कौन सा डायपर्स यूज़ करना चाहते हैं। सही डायपर्स पहनाने से बच्चे को कभी भी रैश नहीं होंगे। एक साइज़ बड़ा ही बच्चे के लिए डायपर लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट आप वेट के अकॉर्डिंग बच्चे के डायपर लें। आप एक साइज़ बड़ा डायपर लें ताकि बच्चे की स्किन ब्रीथ कर सके, उसमें एयर पास हो सके, जिससे उसे कम चांस होंगे डायपर रैश होने के। एंड अगर बाई चांस उसे डायपर रैश हो रहे हैं तो मार्केट में बहुत सी डायपर रैश क्रीम होती हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप कोकोनट ऑयल बच्चे को लगा सकते हैं डायपर पहनाने से पहले, या वैसलिन पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं बच्चे को, या फिर आप जॉनसन बेबी ऑयल लगा सकते हैं बच्चे को। क्योंकि आपका मेन मोटिव क्या है उन सब चीज़ों को लगाने का, कि बच्चे की सेंसिटिव स्किन और डायपर्स के बीच में एक लेयर का काम करें, ताकि जो हमारी यूरिन में और जो हमारे स्टूल में जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो बच्चे की सेंसिटिव स्किन को ना हार्श करें, उन्हें डायपर रैश ना हो सके। तो बस यही कुछ काम है जो आप अगर बच्चे के साथ करेंगे तो बच्चे को कभी भी डायपर रैश नहीं होंगे, और अगर बाय चांस डायपर रैश होता है तो इस तरीके से आप बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं, आप उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर डायपर रैश बढ़ गया तो बच्चे बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, बच्चे रोते रहते हैं सारा दिन, क्योंकि उन्हें इतनी जलन महसूस होती है कि शायद वो अच्छे से ना बैठ सकते, ना अच्छे से सो सकते। तो गाइस हमेशा ध्यान रहे कि बच्चों को एक अच्छा डायपर्स पहनाएं, उनकी केयर करें। अगर कोई वीडियो पसंद आया होगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस।